आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 61,915 पहुंच गया है, वहीं 1,011 लोगों की मौत हो गई है। बद्रीनाथ हाईवे पर भीषण हादसा, कार के उड़े पर खच्चे, 3 घायल, अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड के मैदानी जिलों के साथ ही पहाड़ी जिलों में भी सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिससे अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं बता दें कि ताजा मामला बद्रीनाथ हाईवे के बाजपुर चट्टान के पास का है, जहां आमने सामने से आ रही कारों के बीच भयंकर टक्कर हो गई, जिसमें एक कार के परखच्चे उड़ गए। जानकारी मिली है कि कार में एक ही परिवार के 3 लोग सवार थे। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। रुद्रपुर में पुलिस गश्ती दल पर फायरिंग के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर जिले में गश्त के दौरान देर रात पुलिस कर्मियों पर फायरिंग करने के मामले में 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम क्षेत्र में दबिश दे रही है। कोरोना इफेक्ट, इस साल नहीं निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा। कोरोना की वजह से इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकाली गई। हर साल शरद पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। सड़क निर्माण के दौरान खाई में गिरी जेसीबी, 2 की मौत। बागेश्वर से बुरी खबर है, सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 मजदूरों की मौत हो गई है। दरअसल धर्म घर माच खेत सड़क पर सड़क कटिंग डामीकरण का काम चल रहा था। इस दौरान कार्य में लगी जेसीबी गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें जेसीबी ऑपरेटर समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। मौके पर अफरा तफरी मच गई। रीना कंडारी ने बढ़ाया उत्तराखंड का मान, DRDO में बनी वैज्ञानिक, पिता है ड्राइवर। एक बार फिर उत्तराखंड की बेटी ने प्रदेश का मान बढ़ाया है। फिर एक उत्तराखंडी ने अपना डंका बजाया, एक बार फिर से देश की कमान उत्तराखंड की बेटी के हाथ में आई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रुद्रप्रयाग अगस्त्यमुनि ब्लॉक के धनपुर पट्टी के पीड़ा खैरपाड़ी गांव निवासी रीना कंडारी की, जिनका चैन DRDO यानी भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन बेंगलुरु में राजपत्रित अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। रीना की इस उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। हरिद्वार में समाजवादी पार्टी की 2022 में जीत की तैयारी, सैकड़ों ने की पार्टी ज्वाइन। आगामी पंचायत चुनाव और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी में हरिद्वार में लोगों को पार्टी में शामिल कर मजबूत बनाने का कार्य किया है। आज फुल जटवाड़ा पर सपा कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दर्जनों युवकों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी में शामिल हुए युवा लोहिया वाहिनी के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव व हरिद्वार सपा के जिला अध्यक्ष साजिद अंसारी ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। हरिद्वार पहुंचे पंसल का हरदा पर निशाना, बोले स्टिंग करने वाले हरीश रावत के दोस्त। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार नरेश बंसल आज हरिद्वार पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बंसल ने कार्यकर्ताओं से धैर्य रखने की अपील की। श्रीनगर में शादी समारोह में पहुंची पुलिस, कोविड से बचाव के लिए किया जागरूक। SSP के निर्देश पर जिले की पुलिस शादी समारोह के दौरान होने वाली भीड़ से कोरोना वायरस से बचाव करने के लिए लोगों से अपील कर रही है। पुलिस की इस पहल को स्थानीय लोगों द्वारा भी खूब सराहा जा रहा है। रुद्रप्रयाग में क्रिकेट टूर्नामेंट में भैंसगांव की टीम बनी चैंपियन। बेदनपुर क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में भैंसगांव की टीम विजेता रही। टीम को बतौर मुख्य अतिथि जन अधिकार मंच के अध्यक्ष ने विजेता ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। पटाखे के ऊपर स्टील का गिलास रखकर फोड़ा, 9 साल के मासूम की मौत। आपको बता दें कि पटाखे ने 9 साल के मासूम बच्चे की जान ले ली। घर सहित मोहल्ले में इससे कोहराम मच गया। जानकारी मिली है कि बच्चे ने पटाखे के ऊपर स्टील का गिलास रख दिया। जब पटाखा फूटा तो स्टील का गिलास भी फटा और तेज धमाका हुआ। गिलास के टुकड़े बच्चे के शरीर में घुस गए। उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को परिवार वालों के हवाले कर पुलिस ऐसे पटाखों के बेचने वालों की तलाश कर रही है। हादसे का शिकार बेटे ने भी तोड़ा दम, पिता की मौके पर हुई थी मौत। बीते शुक्रवार को डोईवाला के नुन्नावाला में एक सड़क हादसा हो गया था। हादसे में ITBP के जवान की मौके पर ही मौत हो गई थी। उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। बेटे का इलाज हिमालयन हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन बेटे ने भी दम तोड़ दिया है। इस घटना के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। 2 नवम्बर से कॉलेज में पढ़ाई को लेकर असमंजस में कुमाऊं विश्वविद्यालय। 2 नवंबर से आखिर विश्वविद्यालय में पढ़ाई ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, इस पर अभी तक असमंजस बना हुआ है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने कॉलेज और विश्वविद्यालय को खोलने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन केंद्र सरकार और UGC द्वारा जारी गाइडलाइंस को लेकर असमंजस बना हुआ है। चारधाम यात्रा 2020। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कौड़ियाला तोता घाटी के बीच 15 मीटर पैच ढहा, तस्वीरें।
ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कौड़ियाला तोता घाटी के बीच शुक्रवार रात में काम करने के दौरान 15 मीटर पैच ढह गया, जिससे वाहनों का संचालन बंद हो गया। शनिवार सुबह वाहनों का मलेथा चंबा रोड पर डाइवर्ट किया गया। पीडब्ल्यूडी के अनुसार शाम तक हाईवे को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। कटिंग के दौरान 15 मीटर पैच धस गया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर परेड का आयोजन, मुख्यमंत्री ने कहा माफिया तंत्र से लड़ने को एक होना होगा। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देहरादून के पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परेड का निरीक्षण किया। साथ में डीजीपी अनिल रतोड़ी और डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को माफिया तंत्र से लड़ने को एक होना होगा। अच्छी खबर, ओली में अब स्कीइंग के साथ आइस स्केटिंग का भी लुत्फ उठा सकेंगे। ओली में आइस स्केटिंग रिंक बनाकर तैयार हो गया है। देश विदेश से आने वाले सैलानियों और स्कीयर्स को स्कीइंग के अतिरिक्त यहां इसी साल से आइस स्केटिंग की सुविधा मिलेगी। उचित तापमान मिलने के बाद रिंक में बर्फ जमाने का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में मौसम विभाग की एडवाइजरी, अगले एक हफ्ते रहेगा ठंड और फ्लू का खतरा। उत्तराखंड के ज्यादा हिस्सों में एक हफ्ते के दौरान ठंड और फ्लू का खतरा ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से ठंड से बचाव करने की अपील की है। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आजकल दिन और रात के तापमान में 18 डिग्री से अधिक का अंतर बना हुआ है। मौसम केंद्र प्रदेश के कई पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। विभागीय बुलेटिन के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है। अन्य स्थानों पर मौसम सामान्य रहने की संभावना है।